पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को महिला, बच्चों, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और दलित विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि देश में जहां जहां बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां बीते कई महीनों से महिलाओं, बच्चों और दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। मणिपुर हरियाणा के मुद्दे पर पंजाब में आरपार, हरपाल सिंह चीमा का पीएम पर जोरदार हमला। चीमा ने पीएम को करार दिया महिला और दलित विरोधी। आम आदमी पार्टी की हुंकार, चुप्पी तोड़े सरकार। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि बीजेपी महिला और दलित विरोधी है, इसलिए वो जानबूझकर महिलाओं की पीड़ा को अनसुना कर रही है। वित्त मंत्री चीमा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री तकरीबन 9 साल से खुद अपने मन की बात सुना रहे हैं, लेकिन वो महिला, बच्चों, आदिवासी, दलित पीड़ितों की व्यथा सुनने से बच रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी को दलित विरोधी करार देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जानबूझकर महिला, दलित और बच्चों की चीख पुकार को अनसुना करने का आरोप लगाया। दलित लोगों के ऊपर, आदिवासी लोगों के ऊपर, हमारी औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर अत्याचार जो है वो मोदी साहब की सरकार में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। जहां जहां बीजेपी की राज है, जहां जहां बीजेपी की राज है वहां वहां इतनी बड़ी स्तर पे हिंसा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री सब चुप हैं और देश के होम मिनिस्टर साहब वहां जाके पिकनिक मना के आ जाते हैं, कोई भी काम वहां पे रुक नहीं रहा। सो मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री साहब को तुरंत इस पे बयान देना चाहिए और देश के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 21वीं सदी में देश को प्रधानमंत्री और बीजेपी के कारण पूरी दुनिया भर में शर्मसार होना पड़ा है। देश के अंदरूनी माहौल और अत्याचार को लेकर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में बातें हो रही हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर चर्चा करने को राजी नहीं है। प्रधानमंत्री मौन है जबकि देश शर्मसार हो रहा है। जहां जहां भी आदिवासी हैं, दलित लोग हैं, वहां पे ऊपर एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने बहुत बड़ा हमला बोला हुआ है। जहां जहां बीजेपी के राज है, मैं समझता हूँ देश की जो आपसी भाईचारा है, देश के लोगों का भाईचारा है, उसको बीजेपी तोड़ना चाहती है और लगातार कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। मणिपुर में लगभग 25 दिन FIR तक नहीं होती, किसी दोषी को पकड़ा नहीं जाता और देश की सर्वोच्च अदालत जो है उसको इंटरफियर करना पड़ता है। सो मैं समझता हूँ, और उधर दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री सब चुप हैं और वो चुप रहते हैं। वो मन की बात तो करते हैं पर लोगों के मन की बात नहीं सुनते। देश की हमारी औरतें बोल रही हैं, हमारे बच्चे बोल रहे हैं, आदिवासी लोग बोल रहे हैं, दलित बोल रहे हैं, पर लेकिन देश के प्रधानमंत्री साहब ने मौन धारा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री साहब को देश की पार्लियामेंट के बाहर आके बोलना चाहिए और देश के नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए। पंजाब के वित्त मंत्री चीमा इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हुई हिंसा में अब तक 6 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हिंसा में करीब 100 लोग घायल हो गए। लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार हिंसा को रोकने में पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुई। चीमा ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हालत में है, जो इस बात का इशारा करती है कि देश को हिंसा में झोंकने और भाईचारे को तोड़ने की बड़ी साजिश रची जा रही है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, वहां वहां पे एक साजिश के तहत मैं समझता हूँ बड़े स्तर पे लोगों के मर्डर हो रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो औरतें हैं, उनको निर्वस्त्र करके उनको घुमाया जा रहा है, उनके साथ बड़े स्तर पे रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और देश में बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। देश में जहां जहां भी आदिवासी हैं, दलित लोग हैं, वहां पे ऊपर एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने बहुत बड़ा हमला बोला हुआ है। जहां जहां बीजेपी के राज है, मैं समझता हूँ देश की जो आपसी भाईचारा है, देश के लोगों का भाईचारा है, उसको बीजेपी तोड़ना चाहती है। बीजेपी पर पूरी तरह से बिफरे पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे को भी केवल सैर सपाटा ही करार दिया है। उन्होंने पीएम से मणिपुर और हरियाणा के मुद्दों पर चुप्पी तोड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी शासित राज्यों में फौरन हिंसा रोकने की पहल करनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब को तुरंत जाके लोगों के बीच जाना चाहिए और हिंसा बंद करवानी चाहिए। एक मैं समझता हूँ हरियाणा में बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और लोगों को मारा जा रहा है। हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। वो किसी भी आदमी के साथ होती है, उसको तुरंत बंद करने की जिम्मेवारी किसकी है? मुख्यमंत्री साहब की है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि मैं अकेले की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूँ वो अपनी जिम्मेवारी से, अपनी जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है उससे भाग रहे हैं। तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको ठीक करना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए और काम करना चाहिए। ऐसे बयान देने से उनको अंग्रेज करना चाहिए। बहरहाल
जिस तरह से पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बीजेपी को निशाने पर लिया वो ये साबित करने के लिए काफी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार देश के आम आदमी के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर बेहद गंभीर है और आने वाले दिनों में पार्टी का रुख इससे लेकर और भी कड़ा हो सकता है। अमित पांडे, न्यूज 24।